नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। काशी मंदिरों का शहर है और घाट के किनारे ऐसे कई मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका कि एक अलग महत्व है, श्रद्धालुओं के बीच इसका एक अलग महिमा है मंदिरों को लेकर के। और इस वक्त हम जिस मंदिर के पास मौजूद हैं वो शीतला घाट के समीप स्थित है और इस मंदिर का नाम है शीतला माता मंदिर। हालांकि लोगों के बीच में काफ़ी आस्था है इस मंदिर को लेकर के और कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण करता यानी कि परम पिता ब्रह्मा जब यहां पे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तभी उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, माता शीतला की यहां पे स्थापना की थी और उन्हीं के द्वारा यहां पे दशाश्वमेश्वर महादेव शिवलिंग की भी स्थापना की थी। तो ऐसी क्या और मान्यताएँ हैं और क्या कहानियाँ इस मंदिर को लेकर के, यहाँ के जो महंत जी हैं, जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए उनसे भी हम बात करेंगे कि वो कितने वर्षों से लगातार इस मंदिर में माता रानी से दुआएं मांगने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, बताइए। हम ये जानना चाहते हैं कि माँ शीतला माता मंदिर का क्या महत्व है बनारस में और जो लोग बनारस से बाहर दर्शन करने आते हैं उनके लिए। देखिए भगवती माँ शीतला का मंदिर ये प्राचीन समय से है। मान्यता है कि जब पृथ्वी पे गंगा का अवतरण नहीं हुआ रहा तब से यहाँ माँ का मंदिर, यहाँ पे माँ का उस समय एक टीला के नीचे माँ का मूर्ति रहता रहा और इस मंदिर में स्वयं यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ करके एक शिवलिंग की स्थापना मंदिर में की, माता शीतला माता माई के मंदिर में एक शिवलिंग की स्थापना की। और इस मंदिर में चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ जी ने भी आके माँ के दरबार में शीश नवाया है जब चारों पुत्रों को माँ निकल गई रही, तो राजा दशरथ भी आए यहाँ पे आके माँ के मंदिर मत्था टेका। तो ये अति प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ भगवती का मंदिर है, दशाश्वमेध घाट तीर्थ के स्थान पर है और इस मंदिर पे जो भी भक्त या जो भी श्रद्धालु जो भी आते हैं अपना मन्नत लेके माँ से मनाते हैं, माँ का दर्शन पूजा करते हैं, उनकी मन्नत पूर्ण होती है। और जो हमारे हिंदू साथ में जो शादी ब्याह होता है उसके लिए भी लोग दशाश्वमेध घाट पे आते हैं, गंगा माँ का पूजन करते हैं, अपना कंगन छुड़वाते हैं, अपना मन्नत उतरवाते हैं और फिर उसके बाद गंगा माँ का पूजन करके शीतला माता मंदिर में आते हैं जहाँ उनकी गोदी भराई जाती है ताकि अगले वर्ष पुनः वो पुत्र को लेकर माँ के दरबार में आवे, माँ की मत्था टेके। और ऐसा होता है, तभी लोग ऐसे लोग आते भी रहते हैं। इस मंदिर को बनाने में हमारे काशी वासियों का बहुत बड़ा योगदान, जैसे कुछ लोगों का हमको नाम याद है, उन लोगों के सहयोग से यह मंदिर का निर्माण धीरे धीरे विकास हुआ। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी थे, श्याम नारायण पांडे जी थे और भी काशी के गणमान्य लोग मिलकर धीरे धीरे फिर मंदिर का विकास करवाया, मंदिर का सुरक्षा करवाया और तब से यह अपना मंदिर का कार्यक्रम शीतला माँ का पूजा पाठ और साल में माँ का चार बसीउरा पूजा किया जाता है जो कि हमारे पूरे काशीवासी के लोग और भी दूर दराज के लोग साल में ये माँ का चार शीतला अष्टमी पूजा बसीउरा पूजा करते हैं जिससे माता प्रसन्न रहती हैं। और ये जो भगवती शीतला रोग की और स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं, इनको सफाई और स्वच्छता अति प्रसन्न है, अति प्रिय है। जो भी भक्त इनका साफ सफाई से पूजा पाठ इत्यादि बंदन अर्चन करते हैं उनकी सभी मनोरथ भगवती सिद्ध करती हैं और ये माँ का साल में चार शीतला बसीउरा पूजा किया जाता है जिससे कि वातावरण सब शांत रहे, प्रसन्न रहे, सब लोग स्वस्थ रहे। इस उद्देश्य से ये माँ का चार पुत्र माता पार्वती ने किया था, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए और
सभी लोगों के स्वास्थ्य कामना के लिए माता पार्वती ने ये शीतला बसीउरा पूजा किया, तभी से फिर ये जनमानस में भगवती शीतला का अष्टमी पूजा प्रचलित हो गया। ये बसीउरा पूजा साल में माँ का होता है, जिससे माँ ठंडी होती हैं। शीतला माँ का आँच जो है बहुत ठंडा है, तो जब माँ निकल जाती हैं, महामारी जब फैल जाता है तो लोगों का बर्दन जलने लगता है, तो लोग माँ का बसीउरा पूजा करते हैं। माँ से मन्नत मानते हैं कि माँ आप का बसीउरा पूजा करेंगे, आप जल्दी से हमारे बच्चों को या जी को भी निकलें, स्वस्थ हो जाएं। तो ये बसीउरा पूजा करते हैं। रात में जो घर की स्त्री रहती हैं, जो घर के बड़े लोग रहते हैं, रात में स्नान करते हैं। स्नान करके नया वस्त्र पहनकर पूरा किचन को धोते हैं, जहाँ भी माँ का भोग प्रसाद बनाते हैं उस स्थान को पूरा धोते हैं, थोड़ा सा मिट्टी का लेप लगा के पूरा सब धो जा के और पवित्र होकर भगवती का भोग बनाते हैं, जिसमें पूड़ी, गुलगुला, चना उबला हुआ रात को भेज देते हैं, दही, लौंग, पान और गंगा जल, अड़हुल का माला, पतासा और हल्दी का लेपन, ये सब मिलाकर ये सब सामग्री इकट्ठा करके लिया के भगवती माता शीतला के दरबार में पूजा करते हैं। अब फिर यहाँ से पूजा करके अपने घर पे जाते हैं, तो अपने घर के देवड़ी पर भगवती का लेप, हल्दी का अर्पण, अपना छापा मारते हैं देवड़ी पर, और फिर वहाँ से मत्था टेक कर तब फिर अपने घर में प्रवेश करते हैं। और फिर उस दिन उनके घर में भोजन नहीं बनता है, वही बासी भोजन खा के उस दिन सभी घर के लोग रहते हैं, जिससे भगवती प्रसन्न रहती हैं और सबको स्वस्थ निरोग रखी रहती हैं। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के अलावा वैसे तो हर साल भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन विशेष दिन और कौन सा है जब भक्त बड़ी संख्या में आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए? शारदीय नवरात्र और ये नवरात्र तो है, ये है ठीक है, यहाँ पे विशेष भक्त आते हैं माँ के वार्षिक उत्सव में। ये अप्रैल में चैत्र पूर्णिमा को पड़ता है, माँ का वार्षिक विराट आरती जो कि रात को 2:30 बजे होती है, ये जनमानस में पतली चली आ रही है। और ऐसा उत्सव शायद किसी मंदिर में होता होगा, जिसमें भगवती का साक्षात वातावरण लगता है कि यहाँ पे भक्त जगदम्बा स्वयं उतार आई हैं। तो ये इनका वार्षिक श्रृंगार और 5 दिन शीतला संगीत महोत्सव माँ का होता है, तो ये अप्रैल में होता है, अप्रैल में चतुर्दशी के महीना में इनका ये श्रृंगार होता है, जिसमें हमारे काशीवासी समाज सोनकर, कसेरा सोनकर, सौ चौधरी, अन्य समाज के लोग माता के बधावा लेकर अपने माथे पे मार थाल, माला, फूल, मीठा, नरियल, जो भी जिसकी श्रद्धा लेकर माथे पे आते हैं, नगाड़ा बजा के साथ झंडा लेकर भगवती के दरबार में रात भर रहते हैं, माँ का आराधना करते हैं। और फिर ठीक रात को 2:30 बजे माँ की विराट आरती होती है, उस समय लाखों आदमी की भीड़ रहती है, पूरा घाट भरा रहता है, पूरा मंदिर भरा रहता है। और अब माँ का आरती जब 2:30 बजे होती है, आरती देख के फिर लोग अपने घर को जाते हैं। माता रानी को क्या क्या चीज़ें चढ़ावे में अति प्रिय है, और जो भक्त होते हैं क्या क्या माता रानी को भेंट करते हैं? माता रानी को प्रिय भक्त करते हैं, डाली में चुनरी डाली रहता है, बांस की डलिया रहता है, उसमें माता का चुनरी, अड़हुल का माला, नारियल, बतासा, दही, और भक्त की जो श्रद्धा रहती है वो अपना रखकर भगवती को अर्पण करते हैं। और माँ का मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है, माँ का 4 पहर की आरती होती है, सुबह शाम दोपहर रात, तब तब माँ का मंदिर बंद होता है आधी घंटा के लिए, और फिर रात को 11:30 बजे माँ की शयन आरती होकर संपूर्ण मंदिर को बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन पुनः 4 बजे भोर में भगवती का मंदिर खुलता है, आरती पूजा होती है, उसी क्रम रात फिर चलता रहता है। माँ शीतला के अलावा और कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं मंदिर के अंदर? यहाँ तो हम आपको बताएंगे, जैसा कि पहला तो एक मूर्ति शंकर जी को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया, जिनके वजह से इस घाट का नाम रखा गया दशाश्वमेध घाट, जिस घाट पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। और एक दशाश्वमेधेश्वर महादेव जी की शिवलिंग की स्थापना की। और दूसरा मूर्ति चक्रवर्ती नजर राजा दशरथ ने स्थापित की, जो है दशहरेश्वर महादेव। गंगा दशहरा के दिन जो भी भक्त गंगा स्नान करके इनको एक लोटा जल चढ़ाता है, उसका 10 जन्मों का पाप दूर हो जाता है, हट जाता है, ऐसे ये मान्यता है। और मंदिर में विंध्याचल माता हैं, कल्की माता हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, मारुका मासानी माता हैं, राम जी, हनुमान जी हैं, शारदा माँ हैं, बंदी माँ हैं, सारे देवी देवता लोग हैं,
और माँ के नीचे गर्भगृह है, माँ का गुफा है। उस गुफा में बुढ़िया श्री दक्षिण आदि शीतला बुढ़िया माता माई हैं, आदिकाल भैरव नाथ जी हैं, मंगला गोवी जी हैं। तो ये गुफा मंदिर सप्ताह में सिर्फ एक दिन भक्तों को दर्शन के लिए सुलभ होता है, बाकी दिन बंद रहता है या तो विशेष पर्व पर खुलता है। अच्छा, यहाँ पे भक्तों द्वारा ताला भी बांधा जाता है मन्नत पूरी करने के लिए, उसके विषय में बताइए कि क्या मान्यता है उसे लेकर। ये ताला बंदी माता के नाम से लोग बंद करते हैं, बंदी माता है, जिसे किसी का कोई व्यक्ति जेल में बंद है, नहीं छूट रहा है, गुवार हर्जी लगा रहा है, तो बंदी माता से लोग मन्नत मानते हैं, मान के अपना धागा बंद बांधते हैं या तो कोई अपना ताला बंद कर देता है। तो मन्नत जब पूरा हो जाता है तो बंदी माता का लिया को भक्त नारा खोल दे, या ताला बंद किया ताला खोल दे, और नहीं खोल पा रहा है तो बंदी माता को नरियल चुनरी माला चढ़ा दे, माँ से कहे माँ हमारा मन्नत पूरा हो गया, उनसे उनका पूजा पाठ कर दे। ये बंदी माता का मान्यता ऐसा है। रविंद्र अग्रवाल, हम आए हैं महादेव सेवा समिति से अशोक विहार पांडेपुर वाराणसी। आप कितने सालों से यहाँ पे शीतला घाट में आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए? 3 सालों से। क्या मान्यताएं सुनी है माता रानी को लेकर के? माता रानी गंगा स्नान करते हैं, माता का दर्शन करते हैं। सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, मैं यही बनारस का ही हूँ। क्या महिमा सुनी है माँ शीतला के बारे में, और कितने वर्षों से आप यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन के लिए? यहाँ हम करीब 8-10 साल से आ रहे हैं, गंगा स्नान करते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन करने से एक सुकून मिलता है और माँ की महिमा है, निराली है, सबका कष्ट हरती हैं। सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? दुर्गा प्रसाद सिंह मंटू, पांडेपुर वाराणसी के रहने वाला हूँ। आप कितने वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए? करीब 8 वर्षों से हम यहाँ पे लगातार माँ गंगा का स्नान और माँ शीतला का दर्शन पूजन करते हैं। क्या कहानियाँ, क्या मान्यताएं इस घाट के बारे में और माता रानी के मंदिर के बारे में सुनी आपने? घाट के बारे में, ये अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा ये घाट बनवाया गया है, और शीतला मंदिर और यहाँ पे और भी मंदिरों का निर्माण किया गया है। और मान्यता ये है कि जो भी कोई माँ शीतला से मन्नतें मानती है और पूरा करता है, और बच्चों का मुंडन संस्कार यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सुबह स्नान करने के बाद जो शांति मिलती है वो और जगह नहीं मिलेगी आपको। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मैं राहुल, आई एम फ्रॉम पटना। यहाँ पे ईश्वर साक्षात है, वो महसूस होता है प्रेम, जिसको प्रेममय होना कहते हैं। और दूसरा चीज़ दिखता है शमशान, वहाँ से जीवन की सच्चाई भी दिखती है। और एक है कि माता रानी अन्नपूर्णा माँ है हमारी, यहाँ पे भगवान शिव स्वयं उनसे भिक्षा मांगने के लिए गए थे अन्नपूर्णा माई से, उसके कारण ये ज़्यादा प्रचलित है। और भगवान शिव कौन है? न मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपः शिवोहम शुभोहम। आप अपना नाम बताइए। नाम है सुनीता। आप कहाँ से आ रही हैं? यहीं रहते हैं, अहिल्याबाई गली में। आप कितने बजे सुबह सुबह दर्शन करने के लिए यहाँ आ जाती हैं? जब बुला जाती है तब आते हैं, ऐसे इनका 5 बजे आरती हो जाता है भोर में, अभी जो अभी आरती हुआ है अभी होता है। आप कितने सालों से आ रही हैं और माता रानी की क्या मान्यता है? इनका मान्यता वही है कि जो मांग श्रद्धा से आप मांगती हैं आपका मनोकामना पूरा होता है। इनके दरबार में कोई खाली नहीं जाता, इनके दरबार में सब कुछ हंसी खुशी सब आता है, हंसी खुशी सब जाता है। आपका नाम क्या है और कितने सालों से आपकी दुकान यहाँ पर है? यह दुकान तो है 100 साल के ऊपर हो गया दुकान यहाँ से, तब हमारा पैदाइश नहीं था, मेरे बाबू जी का पैदाइश था। आपका नाम? हमारा नाम है श्याम सुंदर माली सैनी। कितनी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए? बहुत दूर दूर से आते हैं, बम्बई के, कलकत्ता से, मद्रास से, बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, ऐसा बात है नहीं, काशी तो ही है। हाँ, आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, माँ शीतला दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं नहीं काशी हम घूमे, काशी हमको अच्छा लगा, ये बात है। माता शीतला में जब दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं तो क्या क्या चढ़ावा में चढ़ता है? वो नारियाँ चुनरी सब चढ़ाते हैं, यही सब दिया बत्ती है सब चढ़ाते हैं, चढ़ा के अपन चले जाते हैं, आते बोलते हैं हाँ ये मंदिर हमको बहुत अच्छा लगा, आप माली भैया बहुत अच्छे हैं, आप पैसा कितना हुआ इतना हुआ, 60 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ, कच्चा माली भैया फिर दोबारा आएंगे तुम्हारे लग के। आर पार का जो माला चढ़ता है उनका विशेष महत्व है शीतला माता के मंदिर में, उसके विषय में बताइए। ऐसा है
आदमी यही मानता है हमारा ब्याह शादी हो जाए, ठीक है माता जी तुमको आठ पाठ का माला चढ़ाएंगे, माँ शीतला जी के मंदिर में आके हम दर्शन करेंगे, डालिए चढ़ाएंगे, डालिया चुनरी माला फूल ये सब चढ़ाएंगे, गंगा माती माँ जी हम जा रहे हैं, हम आपको दरबार में आएंगे, बियरी चढ़ाएंगे, कौन भी हो सकेगा, कितना शक्ति हमारा होगा उतना हम करेंगे, वह चढ़ा के चले जाते हैं। कैसे चढ़ाया जाता है आर पार का माला? अरे आर पार का माला में देखिए नाड़िया चुनरी रहेगा, घुघरी रहेगा, बतासा रहेगा, पूड़ी रहेगा, हलवा रहेगा, गुलगुला रहेगा, पांडे पाल लगाएंगे, पांडे भी वो पाल लगाएंगे, चार पांडे तो टुकड़ा करके उसका चार टुकड़ा पांच टुकड़ा करके पांच अल्लाह ऊँच के वे गंगा जी में छोड़ देते हैं। पांच किलो की रस्सी होती है, एक किलो की रस्सी, कितना आपका श्रद्धा हो उतना समय आपको माला चढ़ेगा। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उषा है। आप कितने सालों से यहाँ पे माला फूल बेचने का काम कर रही हैं? ये तो हम तो साल बैठते हैं, हम तो कम में दिन से बैठते हैं, ये तो बहुत पुराना दुकान है, पता नहीं कब चल रहा है अभी। यहाँ पे खासकर कहाँ कहाँ से जो लोग हैं वो दर्शन के लिए आते हैं? बहुत लोग आते हैं भैया। कितनी दूर से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, लगभग पूर्वांचल के। हाँ, मिर्जापुर, गुलाचन, बम्बई, दिल्ली, सब जगह आते हैं आदमी। बनारस से ही हूँ, मेरा नाम इंदू राय है। आप कितने वर्षों से आ रही हैं इस मंदिर में दर्शन के लिए? मैं आ रही हूँ करीब करीब 25 साल से। क्या मान्यताएं और क्या महिमा आपने माँ शीतला के बारे में सुना हुआ है? माँ शीतला का महिमा बहुत बड़ी है और जो लोग भक्त यहाँ आते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, और जैसे जिसका वो माता माई निकलती है तो यहाँ पानी है, उस पानी को पी लेने से उनका लहर ख़त्म हो जाएगा और भक्त अच्छे हो जाते हैं, जो मतलब माता जी के नहीं माता जी निकल जाती हैं तो जलन वलन ख़त्म हो जाता है उससे। और यहाँ मान्यता है कि जो गंगा जी नहा के और बाबा का विश्वनाथ जी का जल देते हैं, माता का दर्शन करते हैं, अन्नपूर्णा जी का दर्शन, जो इच्छा लेके आते हैं वो पूर्ण होनी है। मैं अब तक तो मैं यही जानी थी क्योंकि जब मैं आई थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, और भगवान बाबा विश्वनाथ जी के कृपा से और माता की कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला। तो हमने आपको दर्शन कराया माता शीतला के दरबार का, और यहाँ पे श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर सच्चे दिल से जो भी भक्त यहाँ पे माता रानी से मन्नत मांगता है तो उसकी मुरादें माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। और यहाँ पे महंत जी का और पुजारी जी का कहना है कि परम पिता ब्रह्मा ने ही खुद शीतला माता मंदिर की स्थापना की है, और साथ ही जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था इस घाट पर तभी उन्होंने दशाश्वमेध महादेव की भी स्थापना यहीं पे की थी। तो यहाँ पे बनारस की एक और मान्यता है, लोगों के बीच में एक श्रद्धा है कि शादी विवाह का शुभ काम या फिर मुंडन का जो शुभ काम होता है बच्चों का, वो इस मंदिर पे आके श्रद्धा से पूरी करवाई जाती है। इसके अलावा बनारस में जो शादी का कार्ड होता है, शादी विवाह का, वो भी भक्त यहाँ पे सबसे पहले माँ गंगा को चढ़ाते हैं, माता शीतला को चढ़ाते हैं, तभी वो अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को वो विवाह का कार्ड देते हैं। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव बीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।